तो अभी हमें कुछ लोग मिले हैं, हम इनसे पूछते हैं कि क्या ये बहरिया यूनिवर्सिटी से खुश हैं या नहीं है। तो आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी से खुश हैं या नहीं? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यस, नहीं खुश, ऑलमोस्ट। बहरिया की तीन अच्छी बातें, एक तो ये कि ये लीडरशिप आपको सिखाती है, ठीक है, और आपके जो स्किल्स जो काफ़ी अरसे से आपको नहीं पता होते कि आपके अंदर मौजूद हैं, ये उनको पॉलिश कराती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, अदर देन दैट बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं, आपको पता हर बुरी बात है। यार बुरी बात ऐसे बहरिया यूनिवर्सिटी की कोई है नहीं, लेकिन ये है कि हमें जो है ना थोड़ी एक्सपेंशन की ज़रूरत है, मतलब अगर आप बाकी कंपैरेटिवली बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर करें तो वो काफ़ी बड़ी हैं, तो वी वुड प्रेफर कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी भी उस स्केल पे चली जाए तो इट वुड बी मच मोर अप्रिशिएटेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। अभी सुनने में आया कि आपका कोई एक और जगह पे कैंपस शिफ्ट हुआ है, बिल्कुल तो हुआ है, क्योंकि मैं हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो हम लोगों का कैंपस पहले इसी था, यहाँ भी था E8 में, तो यहाँ से अब वो शिफ्ट हो गया है H114। जैसे कि आपको पता है कि जाहिर सी बात है जब बंदा नए घर में शिफ्ट होता है तो उसको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो द सेम वे हम लोगों का भी वो एक ट्रांजिशन फेज़ है। तो ओवर अगर आप उस जगह के बारे में बात करें ओवरऑल तो वो बहुत अच्छी जगह है कंपेरेड, लेकिन अगर आप उससे बाहर जाते हैं ना यूनिवर्सिटी से तो फिर आपको ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती है। अच्छी और वही बातें सारी अली ने बता दी है, मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ कहने की। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसकी अगर इस कैंपस की बात की जाए ना तो इसकी लोकेशन जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है, और अगर एकेडमिक में देखें तो टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं हमारे, मतलब सपोर्ट करते हैं, ये नहीं है कि हमें सिर्फ लाइक कोई मसला हो गया तो उसमें सपोर्ट नहीं करते, ये भी अच्छा है। और तीसरा तो बस यही है, एकेडमिक होता बुरी है। बुरी बातें ये है कि अभी आप इस कैंपस में देखें हमें कूलर के लिए सिर्फ पानी के लिए हमें एक मतलब ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाना पड़ता है, ये आपके ख्याल में अच्छी बात नहीं है? ये बहुत बुरी बात है यार, हमें पानी के लिए इतना मतलब ऊपर नीचे जाना पड़ता है। बैरिया की अच्छी बातें, मुझे बैरिया की लाइब्रेरी अच्छी लगी है, उनका स्टाफ अच्छा है, ओवरऑल स्टाफ अच्छा है और फैकल्टी बहुत अच्छी है। और बुरी बातें तो ऐसे अभी तक नहीं मुझे पता चली क्योंकि मेरा सेकंड सेमेस्टर इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है बैरिया की। अच्छा पता नहीं, अच्छी बातें सोचनी पड़ेंगी ज़्यादा टाइम। और बुरी बातें? बुरी बातें ये है कि रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं, इतनी ज़्यादा चिल नहीं है जिस तरह मैं सोच के आई थी कि बहुत ज़्यादा चिल यूनिवर्सिटी है, लेकिन इतनी चिल नहीं है ये। और तीसरी बुरी बात, इतनी भी बुरी नहीं है, बस ठीक है। बस ठीक है मतलब नॉर्मल है, गुजारा चल रहा है? जी गुजारा चल रहा है। यहाँ का जो स्टाफ है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, सीनियर्स जो हैं वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, यानी कि मोस्टली बाकी सीनियर्स की तरह नहीं है, रूड एंग्री वगैरह रैकिंग इस तरह का चिल सीन है। और बुरी बातें? बुरी बातें ये है कि ड्रेस कोड पे काफ़ी ज़्यादा तंग किया जाता है, नॉर्मल सा भी ग्लिच हो तो नहीं बख्शते। तो आपके ख्याल में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं यार सिंपल सा, अगर आप इनके शलवार कमीज के नीचे, हमें खेड़ी अलाउ नहीं है यहाँ पर, तो आप शलवार कमीज के नीचे क्या बंदा जोगर्स पहन के आ जाए यहाँ पर? अच्छी बात वही सेम, फैकल्टी मेंबर बहुत सारे बहुत अच्छे हैं और इधर इन्वायरमेंट भी अच्छा है बहरिया का इधर, और बस बुरी कोई बात नहीं, अच्छा सब। पहली अच्छी बात इनकी ये है कि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, हेल्प करते हैं, दूसरी ये कि यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, और तीसरा इन्वायरमेंट अच्छा है, लेकिन कभी कभार हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते, वो अंदर ही रह जाएगी। अच्छी बात ये है कि पढ़ाई में अच्छी है और हर चीज़ में अच्छी है, और बुरी बात है यही कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है तो हमसे फिर पढ़ा नहीं जाता है, असाइनमेंट बार बार क्विज बहुत मिलते हैं यहाँ पे जी। और बुरी बात यही हो गई। हाँ यूनिवर्सिटी से खुश हूँ मैं बहुत, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई का एटमोसफेयर जो है ना वो बहुत अच्छा है और बाकी भी माहौल सारे अच्छे होते हैं इस यूनिवर्सिटी के। मेरा माहौल बहुत आप खुद ही देख रहे हो कि माहौल कैसा है। हाँ जी बिल्कुल खुश है, बहरिया यूनिवर्सिटी हैज़ प्रोवाइडेड अस अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म टू पॉलिश अवर स्किल्स, ठीक है, और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं बहरिया यूनिवर्सिटी में, नो डाउट, तो हमारी तरफ से तो हम खुश हैं बहरिया यूनिवर्सिटी। मैं भी बहुत खुश हूँ,
वैसे तो मेरा सेकंड सेमेस्टर है तो मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल बैरिया की फैकल्टी मुझे बहुत अच्छी लगी है तो खुश हूँ ऐसे। सेवन। और वो क्यों, मतलब 10 में से 7? क्योंकि शायद अगर मैं चिल इंसान ना होती तो शायद मैं इसको 1 भी ना देना पसंद करती, लेकिन मैं खुद बहुत चिल हूँ, फन कर लेती हूँ, तो मुझे मेरा टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव 7 कि मेरा टाइम यहाँ अच्छा स्पेंड हो जाता है। Okay, और जो लोग चिल नहीं है तो आपके ख्याल में वो फिर खुश नहीं होंगे इस यूनिवर्सिटी से? नहीं, आई डोंट थिंक सो। 9। और वो क्यों? ज़ाहिर सी बात है एक दो खामियाँ हैं जो यानी कि नहीं होनी चाहिए, तो उसकी वजह से, बाकी ओवरऑल अच्छी। 10। अपनी यूनि है। अपनी यूनि है तो मतलब फुल रेटिंग दे देंगे। 8। क्यों, कोई वजह? वजह एक तो हमें इस कैंपस से उस दूसरे कैंपस पे भेजती है 11 में, तो वहाँ एक मार्किंग और दूसरा ड्रेस कोड, ड्रेस कोड काफ़ी मसले होते हैं। आउट ऑफ 10 8। और 8 क्यों? 8 क्योंकि अच्छी भी है और 2 इसलिए कम किया क्योंकि काम बहुत लेते हैं ये, और जो काम लेते हैं और उतना रिजल्ट हमें नहीं देते। 7। और 7 क्यों? अभी तक मुझे ना इसकी बुराइयाँ नहीं पता चली बहरिया की, लेकिन ऑफ कोर्स होंगी तो सही, तो इसलिए मैं 7 मार्जिन छोड़ रही हूँ बुराइयों के लिए। मेरी तरफ से तो अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट देखा जाए तो 9.5 तकरीबन। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि देर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ईच एंड एवरीथिंग, तो वो एक लर्निंग फेज के लिए जो है ना हमारे लिए अच्छा होता है। मैं रेट करूँगी 8। 8 क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आती, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, इस वजह से मुझे ज़रा सेटिस्फेक्शन नहीं होती इस वजह से। मैं 7 करूँगा। और 7 क्यों? 7 इसलिए करूँगा यार कि देखें बहुत सारी चीज़ें इसकी अच्छी हैं, पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पानी का मसला हो गया, इसके अलावा काफ़ी और ज़्यादा मसाइल नहीं है। पर अभी हमारा न्यू कैंपस, मैं आपको न्यू कैंपस के बारे में बताऊं जो H11 में है, तो वहाँ पे अभी हमारे पास कोई फुटसॉल भी नहीं है खेलने के लिए। जी जी ओके, बंद हो गया।